ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि विलेजेस के अंदर रहता कौन था। एटलीस्ट तीन तरह के लोग रहते थे विलेजेस के अंदर, जो कि मैंने बताया आपको, चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट हो, चाहे वो नॉर्दर्न पार्ट हो, यहाँ पर आपको तीन कैटेगरीज के लोग देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तमिल रीजन के अंदर ये वर्ड्स क्यों यूज होते थे, वर्ड्स कौन से यूज होते थे अलग अलग तरह के लोगों के लिए। तो देखो, तमिल रीजन के अंदर लार्ज लैंड ओनर्स को एक टर्म से बुलाया जाता था, जिसके लिए टर्म यूज होता था बिलालर। ठीक है, बिलालर वॉज अ टर्म यूज फॉर लार्ज लैंड ओनर। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा तमिल वर्ड्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली कशिश वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ या फिर टॉपिक ऑफ संगम लिटरेचर। याद आया थोड़ा सा, मैंने हिंट दी थी इसके बारे में कि आने वाली क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया में जिसकी जगह वेदास था, तो साउथ इंडिया में इसकी जगह संगम लिटरेचर था, है ना। वेदास के बारे में अभी तक तो हम पढ़ ही चुके हैं फोर्थ फिफ्थ चैप्टर तक। अब हम लोगों को थोड़ी सी टर्म्स इसकी देखनी पड़ेगी, सिर्फ उतनी जितनी एनसीईआरटी और तमिलनाडु की एनसीईआरटी में मेंशन है, बाकी कुछ हमें प्रेशर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन संगम लिटरेचर से नहीं नहीं निकले हैं, लेकिन फ्यूचर प्रोडक्ट नहीं करा जा सकता, जितना कुछ है हमें घोट कर पीना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड कुछ नहीं होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वही वगैरह वगैरह भाई मैं नहीं मानता, वो एक डायरेक्शन ज़रूर बता देते हैं, लेकिन टॉपिक क्या क्या आएंगे ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो लार्ज लैंड ओनर्स को हम लोग बोलते थे बेलारा। इसका मतलब नंबर वन पे अगर मैं यहाँ पर रैंकिंग दूँ तो फर्स्ट रैंक पे हमें देखने को कौन मिलेंगे, बेलालर। ठीक है, सेकंड रैंक जो ऑर्डनरी प्लोमैन थे जो, उनको हम लोग एक टर्न बोलते थे उजावर। ठीक है, इसका मतलब सेकंड नंबर पे बेलालर के बाद जो गांव में आते थे सदर्न इंडिया के अंदर वो थे उजावर। और थर्ड रैंकिंग पे हमें देखने को मिलेंगे जिनके पास जमीन नहीं होती थी, लैंडलेस लेबरर्स, जो दूसरों क्या एस बंधुआ मजदूरी करते थे, स्लेव करते थे, स्लेवरी करते थे। ठीक है, देवर द स्लेव्स, नौकर थे। ठीक है, और इसके लिए दो टर्म्स यूज होती थी, कदाई सियार लैंडलेस लेबरर्स और स्लेव्स अदिमाई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर टर्म देख लो, वैसे तो स्पेलिंग गिवन ही है, कदाई सियार ये है लैंडलेस लेबरर्स, मतलब ये टर्म इनके लिए यूज हुआ है, और अदिमाई जो वर्ड यूज हुआ है स्लेव के लिए, थर्ड रैंकिंग पे आ जाते थे। आप ऐसा भी कह सकते, थर्ड रैंकिंग क्योंकि कॉमन ही है, इसको मैं थर्ड फोर्थ रैंक नहीं बोलूंगा, लैंडलेस लेबर्स और स्लेव्स एक कैटेगरी के अंदर, कतई सीआर। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने ये रैंकिंग क्यों लिखी, यार ये रैंकिंग आ सकती है कि द फॉलोइंग टर्म्स आर मैंशन फ्रॉम द संगम लिटरेचर, मैंशन द क्रोनोलॉजी इन टर्म्स ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ रैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ देयर वेल्थ स्टेटस या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर पावर किसके पास थी ज्यादा। तो आप बोलोगे सबसे पावरफुल गांव के अंदर हुआ करते थे बेलालर, सबसे पावरफुल बेलालर, दूसरे पे उजावर और तीसरे पे कदई सियार और अदिमाई। ठीक है, मतलब तीसरी रैंक की है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द फॉलोइंग टर्म्स आर गिवेन, तो आपको ये बोल सकते हैं मैच द फॉलोइंग करने के लिए कि जैसे बेलालर, उजावर, कदई सियार और अदिमाई गिवेन है, फिर आपको वो मेंशन कर दें कि लार्ज लैंड ओनर्स, ऑर्डनरी प्लोमैन, लैंडलेस लेबरर्स और स्लेव्स। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करो इसका। अब आप पेपर के अंदर तो देखो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो अभी हमें बोलने में जब इतनी दिक्कत हो रही है, वी शुड नॉट डिनाई द फैक्ट ना कि हमें बोलने में दिक्कत और समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये टर्म रोजाना जिंदगी में तो दिखती नहीं है, अशोका वशोका संगम लिटरे, ये अशोका वगैरह, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये तो हम नॉर्थ इंडियन सुन भी लेते हैं, ये साउथ इंडिया के किसी बच्चे को पता हो तो पता हो, हमें तो नहीं पता इतनी आसानी से। और पेपर के अंदर आउट ऑफ इतना सारा कंटेंट, इतने सारे सब्जेक्ट्स, ये थोड़ी ना याद आएगा, लेकिन यूपीएससी क्या करेगा या कोई भी एग्जाम क्या करेगा, एनसीईआरटी 6 क्लास से ये वाला क्वेश्चन उठा लेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ्स द फॉलोइंग। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इस पर टाइम लगाना चाहिए, लोग टाइम लगाते नहीं है, क्योंकि ये किसी स्टैंडर्ड बुक के अंदर भी गिवन नहीं है ना इतने अच्छे से, जितना हम क्रॉस कनेक्टिविटी करके इसको डिस्कस करते हैं। समझ गए, ओके जी जी ओके, आगे बात करते हैं। अब हमने सदर्न इंडिया के अंदर तो देख लिया, क्या देख लिया हमने सदर्न इंडिया के अंदर, कि भैया सबसे टॉप पे बंदा होगा बेलालर, उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे टॉप पे बेलालर, फिर उजावर, फिर कदई सियार और अदिमाई। ठीक है, ये तो हो गया, कहाँ की बात हो गई, ये बात हो गई तमिल रीजन की, साफ साफ बोल रहे हैं ना, तमिल रीजन की बात हो गई है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया का क्या सीन था, क्या था नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर, गांव का जो शासक था, विलेज हेडमैन,
जैसे आज मान लो उसको सरपंच मान लो, है ना, उसके लिए टर्म यूज होती थी, इसका कलर चेंज करता है पर, उसके लिए टर्म यूज होती थी ग्राम भोजक, ग्राम भोजक। अब एक यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करना, यूजली जो मर्द होते थे सेम फैमिली के वो ये पोजीशन हेल्ड करते थे जनरेशन बाय जनरेशन। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, एक मेरे को हिंट मिल गई कि अगर कभी क्वेश्चन आया द टर्म ग्राम भोजक वॉज यूज इन एशियंट इंडिया, वो पूरा पूरा उसने आंसर बता दिया कि ये विलेज एडमिन के लिए यूज होता था। अगर वो एक स्टेटमेंट मेंशन कर दें, पहली स्टेटमेंट आ जाए ग्राम भोजक इज अ टर्म यूज इन एशियंट इंडिया, ग्राम भोजक मीन्स विलेज हेडमैन, और तीसरा आ गया दिस पोजिशन वॉज हेरिडिटरी इन नेचर, तो ये सही होगी कि गलत होगी, बताओ बताओ। सही है, यहां पर देखो ना, यूजली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड पोजिशन फॉर जनरेशन, सेम फैमिली, देख रहे हो, मैंने टर्म को अंडरलाइन करा है, देखो सेम फैमिली, एक ही परिवार से, जब आप टर्म आप और मैं मान लो एक ही परिवार के हैं, ठीक है, आप अगर कशिश, अगर आप अगर क्वीन हो, ठीक है, तो आपका बेटा कोई है, ठीक है, आपका कोई बेटा है, उसके बाद वही तो राजा बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या चल रहा है, हेरिडिटरी तो ही ना ये पोजीशन की, ये सारी की सारी चीजें ऐसी सेम फैमिली से। यहाँ पर लेकिन याद रखना, मैंने तो आपके एग्जाम्पल में क्वीन यूज कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर करना नहीं चाहिए था, यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है मर्द, ठीक है, ग्रैंडफादर के बाद फादर, के बाद फादर, और फादर के बाद सन, सन के बाद उसका सन, फिर ये चलते चलते मतलब मर्दों की पीढ़ियां चलती चली जाएंगी, और होगा क्या, होगा यहाँ पर सेम फैमिली का फंडा, इसका मतलब द पोजिशन ऑफ ग्राम भोजक वॉज हेरिडिटरी इन नेचर, ठीक है, तो लो ये लो क्लियर भी हो गया, यहाँ पर हमने तो डिस्कस भी कर लिया, इन अदर वर्ड द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। अब ग्राम भोजक होता कौन था, ये देखो इतना कुछ अगर इसके बारे में मेंशन कर रहा तो हमें जानना चाहिए। ग्राम भोजक वॉज ऑफन द, ऑफन देख रहे हो, हमेशा नहीं, यूपीएससी यही खेलता है इस टर्म्स में, ऑलवेज ऑफन बोल रहा है वो, एक एक टर्म के ऊपर बारीकी से देखना होता है हमें एनसीईआरटी के अंदर, दिस इज हाउ एनसीईआरटी शुड बी रेड। और स्पेशली लोग कहते हैं 11th 12th की पढ़ जाओ, भाई गधे हो तुम, 11th 12th की नहीं बल्कि 6th to 8th ज्यादा ध्यान से पढ़नी चाहिए, 11th 12th को तो कैजुअली लुक मार के छोड़ भी सकते हो, ठीक है, बात करते हैं टॉपिक में वापस। ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, गाँव का जो सबसे बड़ा मुखिया है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी ना, उसके लिए टर्म यूज करी जाती थी ग्राम भोजक। अब ग्राम भोजक अगर इतना बड़ा लैंड ओनर, इतना बड़ा जमीन, एक तरीके से जमींदारी सुनने में साउंड ये कर रहा है ना कि आज का कोई बहुत पावरफुल जमींदार मान लो इसको, यही है ना, ऐसी तो साउंड हो रहा है ना इसकी, इसकी पोजीशन, तो इसके पास बड़े सारे ना नौकर होते थे, स्लेव्स होते थे काम करने के लिए, ये कुछ वर्कर्स को हायर भी करता था ताकि जो इतना बड़ा लैंड ये ओन करके रख रहा है कल्टीवेट करा जा सके उसको। बिसाइड्स जब इतना कुछ है तो ऑब्वियस ही बात है, ये वाली टर्म कुछ स्पेशली मेंशन करने की जरूरत तो थी नहीं एनसीईआरटी को, कि बिसाइड्स ही वॉज वेरी पावरफुल, ठीक है, अब क्योंकि ये पावरफुल था और राजा था, नहीं सॉरी, क्योंकि ये पावरफुल था तो राजा इसको यूज करता था कि तुम मेरे बिहाफ पर अपने गांव से टैक्स कलेक्ट करके मुझे दोगे, बात समझ में आई कशिश, ग्राम भोजक एक जमींदार है, बहुत पावरफुल पर्सन है, अब इतना पावरफुल पर्सन अगर है तो राजा का राइट हैंड होता था एक तरीके से, एक तो पोजीशन भी हेरिडिटरी, तो सेम परिवार का आदमी, तो मुझे बार बार ट्रस्ट इश्यूज और ये सब भी नहीं होंगे कि भाई इसके ग्रैंडफादर भी हमारी फैमिली का काम कर चुके हैं, मतलब मान लो मैं राजा हूँ, आप ग्राम भोजक की फैमिली से बिलोंग करते हो, आप मेल हो, ठीक है, मर्द की बात करते हैं, आप मेल हो, ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई आपके ग्रैंडफादर भी मेरे काम कर चुके थे, आपके फादर भी मेरे काम कर चुके थे, अब आप उनके बेटे बनकर हमारे का हमारी जनरेशन में काम करने आए हो, ठीक है, तो मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ आसानी से, तो इसलिए मैंने आपका, इसलिए मैंने आपको अपना राइट हैंड बना रखा है, किस चीज के लिए, किंग ऑफन यूज हिम, हिम कौन, किसकी बात चल रही है, ग्राम भोजक की, ताकि टैक्सेस कलेक्ट करे जा सके गांव से, ही ऑल्सो फंक्शन एज, ग्राम भोजक के और रोल्स देखो, ये कभी कभार जैसे सरपंच नहीं होता गांव का मुखिया, तो वो जज की तरह काम करता है, आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा देखी होगी ना, वो सरपंच की हाजिरी लगती है उधर, मतलब वहां पर, कि जब उसकी बीवी को वापस बुलाने की बात होती है या गांव में शौचालय बनाने की बात होती है ना, तो ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज, और कभी कभार पुलिसमैन की तरह भी मतलब ये करता था वर्क,
तो ये पैराग्राफ देखो, एनसीईआरटी ने अगर इतना इनिशिएटिव लिया है कि एक पैराग्राफ पूरा का पूरा ग्राम भोजक के लिए दिया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए सारी बातें इस स्टेटमेंट फॉर्म में। प्रीलिम्स के अंदर चांसेस हैं कि अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो बनेगा, ठीक है, अच्छा खासा बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ूँ? ग्राम भोजक के अलावा और कौन थे? कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स एग्जिस्ट करते थे यहाँ पर। ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है सारी की सारी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे ग्रहपतिस। ग्रहपतिस कौन होते थे? मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉल लैंड ओनर्स, छोटे छोटी छोटी लिटिल लिटिल मात्रा में इनके पास जमीन होती थी। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर एक मैं बनाऊं ग्राम भोजक, ग्राम भोजक के पास अगर इतनी जमीन है, तो एज कंपेयर टू ग्राम भोजक, ग्रहपतिस के पास जितना ये साइज है, तो आप ये मान लो कि इतनी बड़ी जमीन है, स्मॉल लैंड ओनर्स हैं ये, ठीक है। और उसके बाद ये दो रैंकिंग हो गई, दो, ग्राम भोजक नंबर वन, ग्राम भोजक नंबर वन, ग्रहपतिस, ग्रहपतिस नंबर टू। उसके बाद जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होती थी, दोज हु डिड नॉट ओन एनी लैंड, तो उनके लिए हम लोग टर्म यूज करते थे, उनके लिए हम लोग टर्म यूज करते थे दास। अरे यार क्या हो गया, दास स्क्रीन दिख रही है ना क्लियरली? ठीक है, ठीक है, उनके लिए हम लोग टर्म यूज करते थे दास कर्मकार, दास कर्मकार। दास कर्मकार होता कौन था, सवाल ये उठता है। तो दास कर्मकार जो होते थे, देवर जनरली मैन एंड वेमेन, लेकिन कौन से मैन एंड वेमेन? कोई भी क्या? नहीं, ऐसा नहीं। दोज हु डिड नॉट ओन एनी लैंड, उनको हम लोग बोलते थे दास कर्मकार। बात समझ में आई? क्लियर? और फिर ये अपना गुजारा कैसे करते थे, हाउ दे मेड देयर लिविंग? तो ये अपना गुजारा करते थे, दे अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय अदर्स, जो दूसरे जो फील्ड जो ओन करेंगे उनकी जमीन पर काम करके ये अपना वो गुजारा करते थे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, एक बारी रिकॉल करना जरूरी है हमारे लिए, उसको हम हटाते हैं एक मिनट रुकना। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा अगर बात करी जाए सदर्न इंडिया की, तो रैंकिंग के हिसाब से गांव में नंबर वन होगा बेलालर, लार्ज लैंड होगा, बहुत ज्यादा जमीन होगी उसके पास। ऑर्डनरी प्लोमैन जो उनकी फील्ड पे काम करेंगे, वो जावर नंबर टू। नंबर थ्री रैंकिंग सदर्न रीजन में होगी, ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, और या जो बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, नौकर बना कर रखा गया, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए टर्म यूज होती थी कदाइसिया, और जो स्लेव्स होते थे उनके लिए टर्म यूज होती थी अधीमाई, ठीक है। फिर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें एज कंपेयर टू सदर्न इंडिया, तो जो यहाँ पर तीन टर्म यूज होती है, बिलालर, उजावर, कदई सियार और अधीमाई, चार टर्म्स यूज हो रही हैं। वैसे मतलब ये तो सेम लेवल पर हैं, ये दोनों टर्म सेम लेवल पर हैं। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर टर्म यूज हो रही हैं तीन, ग्राम भोजक नंबर वन, ग्रहपतिज नंबर टू और दास कर्मकार नंबर थ्री। इनके पास लैंड नहीं है, ये दूसरों की फील्ड पे काम करते हैं। सिमिलरली कदाई सियार और अधिमाई के पास लैंड नहीं है, तो कंपैरिजन भी आ सकता है, सिमिलैरिटीज भी आ सकती है कि सदर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन में से कौन मैच करते हैं। जैसे बेलालर लार्ज लैंड ओनर है ना, ये देखो बेलालर लार्ज लैंड ओनर, ऐसे ही ग्राम भोजक भी विलेज हेडमैन है, तो जमीन तो है ही इसका मतलब इसके पास काफी ज्यादा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके आगे बढ़ते हैं। अब बड़े सारे गांव में उस टाइम पर मोस्ट विलेजेस ऑल्सो हैड क्राफ्ट पर्सन्स, ठीक है, जैसे ब्लैक स्मिथ, मैंने अभी आपको बता दिया क्लास की शुरू में, मटके बनाने वाले, कारपेंटर्स और वीवर, बुनाई करने वाले, कपड़े वगैरह सिलने वाले, ठीक है, ये लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। मतलब वो ये बोल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशंस मेंशनड अबव, दीज वर सम ऑफ द अदर प्रोफेशंस, ये कुछ दूसरे प्रोफेशन है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लें, जैसे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर वेदास को अर्लीस्ट रिटन कॉम्पोजिशन माना जाता है ना, वेदास
और मुझे मुझे ये भी बता दो, क्या माना जाता है कि वेदास किसने लिखे, जल्दी बताओ। हमने डिस्कस करा था इसको प्रीवियस क्लासेस के अंदर, वेदास किसने लिखे? हाँ भूल गए, आर्यंस, याद आया? ठीक है, तो तमिल कॉम्पोजिशन की बात करें, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल, जिसको हम लोग नाम से बुलाते हैं संगम लिटरेचर, ये आज से 2300 ईयर्स अगो, 2300 साल पहले लिखी गई थी। इनको संगम इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनकी जो कॉम्पोजिशन और कंपाइलेशन हुई ना, वो कोई एक जन नहीं करता था, वो असेंबलीज में, संगम में, ग्रुप्स में रहकर करी जाती थी, जो कि पोएट का ग्रुप्स होता था। ठीक है, और ये मदुरई सिटी में करी जाती थी, सिटी ऑफ मदुरई। दो तीन फैक्ट्स याद रखना कि संगम लिटरेचर जो है वो असेंबलीज में, ग्रुप्स में कंपोज करा जाता था। ठीक है, ग्रुप्स में उसमें कंपोज करा जाता था, और सिटी ऑफ मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। हम पेज 7105 पेज नंबर पे देख लेना इसको, हमने देखा भी था, मैं बाद में दिखा दूंगा। आपके पास अगर बुक है तो देख लो, मेरे पास इस चैप्टर की पीडीएफ है क्योंकि ये वाली, तो आप पेज नंबर इसके अंदर है क्या, 105? नहीं, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेना क्या है जो वो कह रहा है, कि जो तमिल टर्म्स ऊपर हमने मेंशन करे हैं ना, मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिया, वो संगम लिटरेचर से लिए गए हैं। ठीक है, कौन से तमिल टर्म्स की बात कर रहे हैं, ये वाले, बिलालर, उजावर, कदाइसिया, अदिमाई, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये उठाए गए हैं संगम लिटरेचर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ जी।